हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हथेली की शेप एक पूरा स्क्वायर बना रही है, को ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह से इनकी हथेली की शेप बनती हुई नजर आ रही है, जो यहाँ पर इनको कम्प्लीटली एक इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी शो कर रही है। काफी हार्डवर्किंग मेहनती टाइप की नेचर इनकी रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर फिंगर्स के बीच में गैप, जो इनकी सबसे छोटी उंगली और सूर्य की फिंगर के बीच में गैप है, यह भी एक इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी को शो करता है। और इसकी कन्फर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है, जो इनकी लाइफ की लाइन और माइंड की लाइन है, यह दोनों ही यहाँ पर अलग अलग एक गैप के साथ शो हो रही हैं, जो एक रिस्पॉन्सिबल टाइप की पर्सनैलिटी को शो करती हैं, एक हार्डवर्किंग नेचर को। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर बचपन से ही कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिनकी लाइंस में इस तरह से गैप हो, और जब फिंगर यानी कि सूर्य और बुध फिंगर इस तरह से एक सेटिंग में गैप लिए हुए हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव भी इनका रहता है। और भी कुछ इंडिकेशंस हमें मिल रही हैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में इनकी फिंगर से, चले जानते हैं वो क्या क्या हैं। यहाँ पर इनकी फिंगर्स की लेंथ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर इनकी फिंगर्स की लेंथ को, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बाकी क्या क्या इंडिकेशंस हमें इनकी लाइन से मिल पाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी टिल्टेड फिंगर्स कहीं ना कहीं लोनलीनेस की तरफ इशारा करती हैं, थोड़ी सी वैराग्य की भावना रह सकती है। और यहाँ पर इनकी बृहस्पति फिंगर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बृहस्पति फिंगर की लेंथ लंबाई काफ़ी अच्छी है, जो यहाँ पर इनको इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी देगी और काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रहती हैं, लेकिन थोड़ी सी ईगो भी बढ़ जाती है जिनकी बृहस्पति फिंगर की लेंथ ज़्यादा हो। और शनि फिंगर में टिल्टेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं वैराग्य की भावना को बढ़ाती है, सूर्य फिंगर बिल्कुल सीधी नज़र आ रही है, जो क्रिएटिविटी बढ़ाती है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज़ भी इनके अंदर होनी चाहिए। और अगर हम मरकरी की बात करें तो आप देख सकते हैं मरकरी जो फिंगर है यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट रह रही है सूर्य के फर्स्ट फैलेंस से, काफ़ी अच्छी स्ट्रेट फिंगर है, काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी इनको देगी, लेकिन थोड़ी शाई नेचर भी यहाँ पर रहने के चांसेस हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर मरकरी को, तो सेटिंग में काफ़ी अच्छी है, सिर्फ फिंगर का साइज़ थोड़ा सा शॉर्ट है, अदरवाइज मरकरी की सेटिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी स्पेस मरकरी माउंट को यहाँ पर मिल पा रही है। तो चलिए लाइन ड्रॉ कर चेक करते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह की लाइन जो है वो बनकर सामने आ रही है, जिसमें कोई भी माउंट यहाँ पर मुझे लो सेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या इंडिकेशंस हमें इनके माउंट से मिलती हैं, माउंट इनके बारे में क्या क्या बताते हैं। तो सबसे पहले बृहस्पति माउंट की बात कर लेते हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट बृहस्पति माउंट यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, अब देख सकते हैं उभरा हुआ बृहस्पति माउंट है यहाँ पर, जो यहाँ पर लगभग हर तरह की खुशियाँ व्यक्ति को देता है। तो ज़्यादा लेंथ होना यहाँ पर बृहस्पति फिंगर का, तो कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती हैं, अदरवाइज यहाँ पर बृहस्पति का प्रोमिनेंट होना काफ़ी अच्छी नॉलेज इनको देगा, स्पिरिचुअलिटी रहेगी और धन की कमी लाइफ में नहीं रहती अगर बृहस्पति प्रोमिनेंट हो। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें यहाँ पर इनके बृहस्पति माउंट से नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं यह जो एरिया है बृहस्पति माउंट का, और कोई भी यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह इनके बृहस्पति माउंट पर नज़र नहीं आ रहा। आगे आप देख सकते हैं शनि माउंट को, अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर गुरु माउंट और शनि माउंट को, तो आप देख सकते हैं शनि का एरिया अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है और बृहस्पति का एरिया काफी ऊपर की तरफ उभरा हुआ है। तो यहाँ पर वीक शनि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल बढ़ जाती है लाइफ में। और अगर हम शनि रेखा को भी देखें, तो यहाँ पर शनि रेखा चंद्र एरिया से निकलती हुई, जो
विदेश से इनकम को शो करती है, फॉरेन से इनकम को और बाहरी सपोर्ट को यहाँ पर यह रेखा शो कर रही है कुछ इस तरह की, थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ चलती हुई और यहाँ पर लगभग थोड़ी सी ओवरलैप होकर 40 के आसपास की एज से दोबारा से स्ट्रेंथ में चल रही है इनकी शनि रेखा। तो यहाँ पर 36 की एज तक काफ़ी अच्छी लाइन चल रही है, उसके बाद थोड़ी स्ट्रगल नज़र आ रही है और उसके आगे 40 के बाद की एज में अगर देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रांग होकर, लेकिन यहाँ पर स्ट्रगल तो रहेगी क्योंकि शनि का जो माउंट है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। बेशक यहाँ पर धन की कमी नहीं रहेगी, धन और कंफर्ट्स इनको मिलते रहेंगे क्योंकि शनि रेखा यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी अच्छा जो कोर्स है शनि रेखा का बिल्कुल शनि माउंट तक पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो धन की कमी नहीं रहेगी लेकिन स्ट्रगल और मेहनत यहाँ पर इनको काफ़ी करनी पड़ सकती है। आगे देखते हैं सूर्य को, तो यहाँ पर जो सूर्य माउंट है इनका उभरा हुआ नज़र आ रहा है, जो एक अच्छी सोशल इमेज इनकी बनाएगा, सोसाइटी में अच्छा नेम एंड फेम रहेगा, अच्छी रिकॉग्निशन रहेगी और भारी सपोर्ट तो रहेगी क्योंकि शनि की जो रेखा है वो चंद्र एरिया से आगे बढ़ रही है, तो भारी सपोर्ट मिलती है व्यक्ति को। इवन फॉरेन से भी हमें सपोर्ट मिलती है, इनकम के चांसेस बढ़ते हैं और साथ साथ क्लाइंट्स की सपोर्ट भी रहती है। अगर बिजनेस में जाते हैं तो बिजनेस में क्लाइंट्स की तरफ से अच्छी सपोर्ट रहती है और अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य रेखा कुछ इस साइज की जो यहाँ पर शो करती है, 50s की एज में चलकर काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम आगे चलकर इनको मिलना चाहिए और जो इनकी रेखा और इनकी जो कॉम्बिनेशन बन रही है सूर्य फिंगर की, काफ़ी अच्छी सूर्य फिंगर, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी इनके अंदर। आगे देखते हैं मरकरी को, यहाँ पर मरकरी भी गुरु माउंट की तरह ही प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पर जो विजडम है इनके अंदर काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए, अच्छी बिजनेस सेंस रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उभरा हुआ मरकरी माउंट यहाँ पर इनको काफ़ी क्लेवर भी बनाएगा और साथ साथ इनकी जो रेखा है माइंड की वो भी बिल्कुल स्ट्रेट है, तो काफ़ी शार्प माइंड रहेगा, बिजनेस माइंडेड पर्सनैलिटी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर अच्छे हो जाते हैं इस तरह का मरकरी, उभरा हुआ मरकरी होने की वजह से। और यहाँ पर मरकरी की जो स्ट्रेंथ अच्छी होने की वजह से बिजनेस एक्यूमेन बढ़ जाता है, तो बिजनेस करने की क्षमता व्यक्ति की काफ़ी अच्छी रहती है और उस बिजनेस से काफ़ी पैसा भी ऐसे लोग कमा पाते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 3 रेखाएं नज़र आ रही हैं जो यहाँ पर 2 से 3 तरह के अटैचमेंट्स को शो करती हैं और जो सबसे बाद वाली रेखा है इसको हम लाइन ऑफ मैरिज कह सकते हैं। तो इस केस में इनकी मैरिज थोड़ी सी लेट नज़र आ रही है, अटैचमेंट्स रहेंगी, अफेयर रह सकता है लेकिन जो सबसे बाद वाली लाइन है यह मैरिज को इंडिकेट कर रही है। तो मैरिज यहाँ 45 के अराउंड एज में होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर और कोई भी मेजर प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही। आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट जो है यहाँ पर काफ़ी सारी ब्रांचेस नीचे की तरफ भेजती हुई जो इनकी इमोशनल नेचर की तरफ इशारा करती हैं, काफ़ी इमोशनल सेटबैक्स लाइफ में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी इमोशनल ये रहने वाले हैं क्योंकि जो इनकी हार्ट की लाइन है वो भी प्रॉपरली ऊपर की तरफ मुड़ती हुई, कुछ इस तरह की हार्ट की लाइन ऊपर की तरफ मुड़ती हुई जो इनकी लॉयल एंड ऑनेस्ट पर्सनैलिटी को शो कर रही है क्योंकि बृहस्पति माउंट तक यह लाइन पहुंच रही है। काफ़ी ऑनेस्ट रहेंगे, काफ़ी लॉयल पर्सनैलिटी रहेगी लेकिन औरों की तरफ से यहाँ पर सेटबैक्स, इमोशनल सेटबैक्स मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बेशक इनकी नेचर बहुत केयरिंग रहेगी लेकिन थोड़ी सी ईगो भी इनके अंदर, थोड़ी सी ऑब्स्टिनेट नेचर, ज़िद्दी नेचर भी इनकी रहेगी जिसकी वजह से कुछ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। आगे देखते हैं इनकी माइंड की लाइन को, यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम हार्ट की लाइन से नज़र नहीं आ रही। ओल्ड एज में चलकर थोड़ी सी दिक्कत हार्ट से रिलेटेड रह सकती है 55 के अराउंड एज में क्योंकि यहाँ पर आकर थोड़ी सी लाइन ओवरलैप हो रही है, अदरवाइज हार्ट की हेल्थ ओवरऑल अच्छी दिखाई दे रही है। तो आगे देख सकते हैं आप इनकी माइंड की लाइन को, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ माइंड की लाइन और लाइफ की लाइन दोनों अलग अलग कोर्स में चल रही हैं, दोनों आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं, तो सेल्फ एक तरह से सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज़ होती हैं ऐसी, थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव ज़रूर होता है लेकिन डिटर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छी होती है और अपनी सी डिटर्मिनेशन की वजह से ये लोग बहुत तरक्की करते हैं। और जिस तरह की इनकी
की माइंड की लाइन है यहाँ पर शो कर रही है। काफ़ी शार्प माइंड को, काफ़ी यहाँ पर बिजनेस माइंडेड टाइप की पर्सनालिटी को, क्योंकि यहाँ से एक लाइन मुझे ऊपर की तरफ उठती हुई भी दिखाई दे रही है जो मरकरी की तरफ इशारा कर रही है। और काफ़ी शार्प माइंड तो रहेगा लेकिन काफ़ी बिजनेस से रिलेटेड जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा रह सकती हैं, और बिजनेस से ये काफ़ी सारा पैसा भी कमा सकते हैं। यहाँ पर मनी ट्राइंगल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पर कंप्लीटली मनी ट्राइंगल एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो शो करता है कि काफ़ी अच्छा पैसा ये अपनी लाइफ में स्टोर कर पाएंगे, पैसे की कमी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। और आप देख सकते हैं जो स्ट्रेस की लाइंस हैं यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लाइफ में कुछ सेटबैक्स, कुछ स्ट्रेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखें 40 के आसपास की एज में भी एक स्ट्रेस लाइन है, और उससे पहले भी कुछ हल्की स्ट्रेस की लाइंस हैं जो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देती रही होंगी, और आगे भी कुछ हल्की स्ट्रेस की लाइन है लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। अराउंड 40 यहाँ पर एक स्ट्रेस लाइन जो लंबी लाइन है जो यहाँ पर लाइफ लाइन को और माइंड की लाइन को डिस्टर्ब करती हुई, जो किसी न किसी तरह का तनाव इनको देती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल आप देख सकते हैं इनकी जो लाइफ लाइन है वो पूरी तरह से बाहर की तरफ चलती हुई, जो घर से दूर सेटल होने के बारे में इंडिकेशन देती है। और अगर आप देखें यहाँ पर तो घर से दूर ये रह सकते हैं, काफ़ी समय यह घर से दूर स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ब्रांचेस जो हैं चंद्रमा के एरिया पर पहुँचती हुई जो व्यक्ति को घर से दूर स्टे करवाती हैं, चाहे वो काम के सिलसिले में हो या किसी भी कारण, काफ़ी समय उनको घर से बाहर रहना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट मुझे घर से दूर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ओवरऑल इनकी जो लाइफ लाइन है वो वापस पीछे की तरफ मुड़ती हुई, तो कहीं ना कहीं डिज़ायर रहेगी अपने होम कंट्री में वापस आने की और वहाँ पर परमानेंट बसने की। और ऐसा हो भी जाएगा आगे चलकर, यह है अगर विदेश चाहते हैं तो वहां रह सकते हैं और वहां से वापस आ सकते हैं ओल्ड एज में चलकर। उसके अलावा आप देख सकते हैं लाइफ लाइन को सपोर्ट करने वाली मंगल रेखा यहां पर मौजूद है, जिसकी वजह से अच्छी प्रॉपर्टी ये बना सकते हैं, और लाइफ यहां पर काफ़ी लंबी 90 के आसपास, 90 वर्ष के आसपास इनकी लाइफ रहनी चाहिए, काफ़ी अच्छी लाइफ की लाइन है। कुछ स्ट्रगल जो है यहाँ पर मुझे 45 के अराउंड एज तक नज़र आ रही है, उसके बाद की लाइफ कुछ बेटर होती हुई, स्मूथ होती हुई। चंद्रमा का एरिया यहाँ पर मुझे वीक नज़र आ रहा है, तो मानसिक तनाव तो लाइफ में रहेगा, अप्स एंड डाउन, थोड़ा सा स्ट्रेस रहने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा मुझे इनका काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन या कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।